दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें जंगल के वो किस्से हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि जंगल में ऐसा भी होता है, और हैरान कर देंगे। अगर मैं सही बात बोलूं कि जंगल के वो किस्से हैं जो आपको हैरान कर देंगे। इसमें हर तरह की बात है। हमारे भाई के पास सारी चीजों का वो है निचोड़। इनके साथ हर हादसे हुए हैं और हर ऐसी चीजें हुई हैं जो इन्हीं के मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा आएगा। तो बगैर देरी करे हमारे सलीम भाई, जिनको आप जानते हैं, उनको मैंने फिर जबरदस्ती पकड़ के बिठा लिया किससे कहानियों के लिए। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो सभी भाई सभी लोगों को नमस्कार। देखो उमर भाई, ये चीज़ बताने की तो नहीं होती, लेकिन अब आपने कहा है और आप हमारे करीबी हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। काफ़ी टाइम पहले की, पहले हम अपनी आप बीती बताएंगे आपको, कोई सच माने या ना माने। लगभग 2004 की बात है, हमारे मामा के साथ जो हादसा हुआ था, कॉर्बेट से लगा हुआ हिस्सा है कुमेरिया डैम रिजोर्ट के आसपास एक भूतगढ़ी पुल पड़ती है, जिसको नीचे घाट भी है, शमशान घाट है। तो हमारे मामा जो थे एक ड्राइवर थे और वो अपनी गाड़ी चलाते थे, जिसके कारण उनकी लोडिंग वाली गाड़ी थी, आइसर थी, और वो यहाँ से रानीखेत के लिए चले थे। लगभग लगभग 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, और जाने के साथ में उनके जो था टायर पंचर हो गया कुमेरिया से पहले भूतगढ़ी पुल के पास, जो फेमस है। तो अब टायर दोनों पंचर हो गए थे, एक पहले से था या फिर दोनों एक साथ हो गए। तो उन्होंने अपने जो सारथी कंडक्टर थे उनको कहा, भाई अब ऐसा है, यहाँ पे कोई साधन तो है नहीं, आप एक काम करो, मुहान में पंचर वाले हैं, ये पंचर रिपेयर करवा लाओ। तो वो एक टायर को लेके चले गए, और मामा जो थे हमारे, इकबाल हुसैन नाम था उनका, तो आज वो हमारे बीच में नहीं है क्योंकि उनका इंतकाल हो गया था उस हादसे के बाद। तो उन्होंने अपना कंडक्टर जो था मोहन भेजा था टायर लेके, उसका इंतजार करते करते रात के बज गए 11:30 या 12 बजे। तो इस दौरान अब अकेले थे तो कुछ खाने को भी नहीं था गाड़ी में, तो इस दौरान कुछ बॉयल्ड अंडे उन्होंने करे, दो अंडे थे उनके पास, तो बॉयल करे और उन्हें खाया। और उसके बाद थोड़ा पानी वानी पीने के बाद थोड़ा आम रखे थे गाड़ी में, तो आम भी खाए। तो अंडे मतलब कैसे उनका बॉलिंग का नहीं, सामान बॉयल का था? था, ट्रक वालों के पास तो सामान रहता है अच्छा ना, अच्छा ठीक स्टोव है। वगैरह रहता है, तो उसमें अच्छा अपना कभी जैसे कहीं फंस गए तो उन्होंने रखते हैं फिर अपना, वही कहीं खाना पे बना बनाते लिया हैं, कहीं निकल पे के। ढाबे की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। तो इस दौरान उन्होंने कहा अकेला हूं तो मैं खा लिया, और उससे खाने के बाद उनको मतलब घबराहट सी, तो उनको कभी ऐसा लगे कोई गाड़ी पकड़ के हिला रहा है, मतलब बहुत ही खतरनाक, और इस तरीके से वो घबरा चुके थे कि उनके बीपी तक बढ़ चुका था। अच्छा, हाँ, अकेले फंसे हुए हैं वो। अकेले फंसे हैं। चलो जैसे तैसे फिर जो हमारी बात हुई थी उनसे, क्योंकि उसके दूसरे तीसरे दिन वो बीमार पड़ चुके थे, अच्छा तो उन्होंने कि सुबह जब 4 बजे के टाइम पे कोई गाड़ी गई तो उनके साथ के जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा, इकबाल भाई यहाँ क्या कर रहे हो? बोला गाड़ी आ जाएगी, आप मेरे साथ वहां से चल के, सोराल है वहां से कम 6-7 किलोमीटर। तो बोला चलो चाय वगैरह पियेंगे, तो वो उनके साथ चाय पीने के लिए चले गए। वापस में आए तब तक आ गया था, 12 बज गए थे दिन के, गाड़ी फिट फिट करके वो रानीखेत को रवाना हो गए। रानीखेत पहुंचने के बाद उन्होंने वापसी में गाड़ी वहीं खड़ी करके अपने घर, जब रिटर्न जा रहे थे तो घर पे जाके उन्होंने कहा मेरी तबीयत ये खराब हो रही थी, और घर पे उस दिन इत्तेफाक से चिकन बना हुआ था। जब उन्होंने वो बाद में खा ही लेता नॉर्मली से, वो चिकन खाया, और खाने के बाद उनको बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके की सी घबराहट, और उनका गला टाइप का पकड़ लिया, वो तो वहीं उन पर हावी हो गया था जो भी वहां की सह थी। तो उनको और वहीं हॉस्पिटल भी है, फाइनली उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो उन्होंने कहा भाई ये तो ठीक है, हॉस्पिटल वालों ने कहा ठीक है ले जाओ इनको घर। जैसे घर आने के बाद उन्होंने एक गोली खाई कि मेरे को थोड़ी जो डॉक्टर ने दी थी घबराहट कम हो जाएगी, लेकिन घर वालों ने सोचा कि ये नींद आ गई इनको, उस समय तो सो ही गए, लेकिन सुबह वो मृत पाए गए। अरे ये हमारे
मामा बिल्कुल खास, मतलब बहुत करीबी आदमी, सके मामा हमारे। अच्छा, एक बार उसने नाम था उनका। तो ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। तो कैसे पता चला कि उनपे ये चीजें हावी हुई, क्या हुआ उनके उनपे? तो जैसे यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ, होता ही उन्होंने कहा किसी को पूछताछ वाले को बुलाया, उन्होंने कहा यार कुछ ना कुछ तुम्हें लगा है। लेकिन अब वो होता है कहीं पे कुछ ये चीजें होती हैं तो आदमी को डेली उस रूटीन से घूम रहा तो उसे वो चीज का महसूस होता है। बोल रहे थे ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी सी हो रही है। तो हो सकता है उनकी तबीयत पहले से खराब हो, हार्ट की नहीं, नहीं 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 ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। लेकिन बस अब जिससे हमने पूछ पूछ कराई तो भैया उन्होंने कहा भाई ऐसा है। अब फिर वो चीज उनके घर पे हावी हो गई। अच्छा। हाँ, तो उनके लड़के पे वो चीज असर करने लगी। तो ये सोचे कि चलो ठीक है, हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, कई सारी चीजें हैं। लेकिन अब जो भी था वो तो खैर डॉक्टर ही क्लियर करेगा कि क्या हुआ। फिलहाल हमने उनका पोस्टमार्टम वगैरह तो कुछ कराया नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा घर पे ही खत्म हुए तो ऐसा हो गया। लेकिन जब उनके वो चीज बेटे पे हावी हुई तो हमने इधर उधर दिखाया तो डॉक्टर तो इस चीजों को मानता नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा भैया ऐसा है, तुमने वहां पे ऐसा ऐसा करा था, मतलब जो बॉयल्ड अंडे खाए थे और फिर उसके बाद नॉनवेज खा दिया, तो वो चीज उन पे हावी हो गई, तो इसलिए उसका उतारा वगैरह करा। अब थोड़ा सुख शांति है घर में। अच्छा, ये तो बड़ा खतरनाक किस्सा था, ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना खतरनाक। आप किसी से पूछना आपने इस बारे में, खैर लोगों को पता नहीं है, देखो हमारे साथ तो बीती है तो इसलिए हमें पता है। आप कुमेरिया के जो 1 ग्राम के क्षेत्र के लोग हैं आप उनसे मालूम कर सकते हैं भूतगढ़ी पुल किस लिए फेमस है। अच्छा, मैंने समय हम आपको लेके जाएंगे और दिखा भी देंगे एरिया क्या है। टाइगर तो एक बिल्कुल सीधा साधारण जानवर है। उस टाइगर जो है, टाइगर की एक तो उम्र बड़ी कम होती है, बाकी उसकी जो आप देख रहे हैं हालात कहते हैं टाइगर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। इस समय जो वन्य जो कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं कि भैया जंगल कट रहे हैं और लोग जंगल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। जंगल छोटा होगा, अब एलिफेंट के ट्रैक छोटे होंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ। तो टाइगर क्या है, टाइगर कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। टाइगर से तो आप जितना प्रेम करेंगे वो उतना आपको फायदा ही देगा। और देखो यहाँ पे दिनचर्या जितनी चल रही है वो टाइगर से ही चल रही है। बिल्कुल चल रही है, एक चाय वाले से लेके एक रिजॉर्ट वाला तक वही टाइगर से कमा रहा है। वही वाली बात है, टाइगर खत्म तो सबके रोजगार, बिल्कुल बिल्कुल सबके रोजगार पे फर्क पड़ जाएगा। लेकिन टाइगर अब कहते हैं टाइगर मैनेटर हो गया, देखो हमारी रोजी रोटी टाइगर ही है। अगर टाइगर को यूं ही हम पकड़ते रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो अच्छा, ये तो ये थी, कोई ऐसा किस्सा बता दे जो आप, क्योंकि जीप चालक हो यहाँ पे, जीप चलाते हो आप यहाँ पे, तो आपके साथ कोई ऐसी घटना जो मजे भी आए और डर भी लगा हो। अब ऐसा देखो, उस समय 2002-3-4 के टाइम में अपनी टूरिस्ट अपनी गाड़ी लेके जाया करते थे, तो उस समय क्या था, लोग अपनी मनमानी भी कर देते थे। पार्क के अंदर गए, किसी ने चिप्स खाया वो रैपर फेंका, किसी ने बियर पी वो फेंका, और किसी को कुछ जंगल के बारे में कुछ पता नहीं है और गाड़ियां कलरफुल चल रही हैं। तो जानवर इस समय ग्रीन कलर की जिप्सियां चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, जंगल से जंगल और चलता फिरता एक एनिमल दिखता है, दूसरा फिर हैबिचुअल है उसका एनिमल। तो एक बार की बात है 2004 के आसपास की, उस समय अपनी गाड़ी अलाउ थी, जंगल की बात है, तो गेस्ट अपनी गाड़ी से ही गए थे अंदर। लेकिन हम जो गए थे, हम जब रास्ता खराब था, हम तो पहले उस रास्ते को उतरते थे और वापसी में जहाँ सीधा रास्ता था उससे हम वापस एग्जिट होते थे। लेकिन वो नए थे तो वो उल्टी तरफ से आ गए, जिसके कारण उनकी गाड़ी जो थी इंडिगो थी और वो गाड़ी वापसी में चढ़ नहीं पाई। हाँ, जो चढ़ नहीं पाई तो, और उस समय कोई क्लियरेंस का और ऐसा कोई मसला था नहीं, कोई इतनी सुविधाएं नहीं थी। उतना टूरिज्म तो ये बताओ बाद में ही डेवलप हुआ, काल मूवी के बाद ही डेवलप हुआ, इतना पहले नहीं था। हाँ, नहीं था इतना। और 80% टूरिस्ट तो ये जो एनिमल प्लानेट है, डिस्कवरी है, बीबीसी वाले हैं, और जो टाइगर को देख के डरा करते थे और एनिमल से बहुत ज्यादा गुस्से में रहते थे, लेकिन इन चैनलों के माध्यम से इनका बहुत टाइगर बचाने में योगदान रहा है। जितने भी आप कहो, एनजीओ कहो या यूट्यूब वाले कहो, तो इन्होंने जितना भी इसको सपोर्ट किया है तो एनिमल सेफ है। तो वो गाड़ी जो थी फंस गई थी। जब मैं सुबह दूसरे दिन पहुंचा, उस गेट से एंट्री ली,
तो जब मैं एंट्री करी तो उनको ऐसा लगा कि साथ साथ ऊपर वाला यहाँ पे आ गया। फंस मुझे गए थे कहने वो। नहीं चाहिए, लेकिन उनके मतलब इतने घबराहट थी उनको, मतलब कोई एक हम सफर मिल गया, मतलब कुछ सांस ही वो मिल गया, रात में मतलब उस वहां से उस शाम में हाँ गए जी थे हम फंस तो, गए। मेरे साथ एक कपल था, मैं गया वहां पे, नहीं, ये जो लोग थे गाड़ी में, इंडिका गाड़ी में जो थे, चार लोग थे, दो बच्चे और दो, वो वो फंस गए रात भर रात भैया। भर फंसे रहे। और ऊपर वाले का शुक्र इतना है कि उन इतनी हाथियों की मूवमेंट थी, उन पे टच भी नहीं किया। कहते हैं ना, देखो नियम नहीं तोड़ोगे तो बचे जाकर आके रहोगे। साइया मार सके ना हाँ, कोई। तो वहां पे उन्होंने इतना मतलब उनके चेहरे से, जो मेरे साथ गेस्ट थे वो, उन्होंने आगे घूमना ही कैंसिल कर दिया। बोले हमें नहीं जाना है, आप इनको हेल्प करो और इनको लेके चलो, हमें नहीं घूमना है। तो फिर मैंने क्या करा, अपनी जिप्सी वहीं से घुमाई और उनकी गाड़ी टो करके मैं उनको रामनगर लेके आया। तो उसके बाद क्या उनकी वो थी तो जब वो प्रतिक्रिया? कह रहे थे आज के बाद हम तौबा करते हैं कि जिसने हमें गाइड किया था, बोले अपनी गाड़ी फंस जाती है, लेकिन हमारे जो फैमिली मेंबर, जो सीनियर थे हमारे साथ, उन्होंने कुछ पैसों के कारण, यह हकीकत बता रहा हूं मैं, और उस समय कोई ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, 300 रुपए का 10 लीटर पेट्रोल आ जाता था, और जो चार्जेस थे गाड़ियों के ज्यादा नहीं थे, 625 रुपए का लगभग वो था, और परमिट 125 रुपए का परमिट हुआ करता था, बहुत नॉर्मल रेट से। उसमें भी गेस्ट अपनी गाड़ी लेके जाते थे, तो उन्हें कहा कोई हमारा क्या कर लेगा वाली बात, जो रूल तोड़ता देखो ऐसा। लेकिन उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी, फिर भी ऊपर वाले ने उनको बचाव किया और वो सुरक्षित अपने घर आ गए। एक बार अंदर जंगल में हुआ था, लेकिन टाइगर नॉर्मली क्या करता, कहते हैं अटैक करता अटैक करता, टाइगर का भी कोई अटैक नहीं करता। टाइगर तो बहुत सीधा प्राणी है, लेकिन अगर फीमेल के साथ बच्चे हों या मेटिंग टाइम चल रहा हो, सडनली टाइगर चल रहा है चल रहा है चल रहा, और सट से मुड़ेगा आपकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा, मोब चार्ज करेगा, फिर चला जाएगा। फिर चला जाएगा। वो एक वो भी आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो करता है कि मेरे को भी ज्यादा, क्योंकि टाइगर की लाइफ, और टाइगर हमें तो लग रहा है ना कि टाइगर नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, टाइगर के अपने उससे पूछो ना उसकी क्या है, वो तो जब तक अपने को छिपाएगा नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। टाइगर को छिपेगा तभी सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो टाइगर भूख के कारण मरता है। लास्ट देखो ओपन में निकला, बर्ड्स ने देखा, पिकॉक ने देखा, लंगूर ने देखा, एक दूसरे को अलार्म कॉल करके एक दूसरे को अलर्ट किया, टाइगर का मिशन जो है फेल। तो टाइगर क्या करेगा, लास्ट में भूखा रहेगा, कब तक रहेगा, एक दिन दो दिन, ज्यादा ज्यादा 7-8 दिन रह इसलिए लेगा, रात उसके को बाद आके शिकार वो, करता है छुप के। तो हाँ, तो उसका जो हैबिटेट है और उसका जो वो है वो छिपके ही रहता है, तभी सरवाइव कर पाएगा। और उसके बीच में हम लोग दखल देंगे तो उसे डिस्टर्ब होता है, तो उस कारण वो इंसान को भी मार देगा। भूख में वो कुछ भी खा सकता है जी, ये नहीं है कि टाइगर, कई लोग कहते हैं उनका फ्रेश ही खाता है, ऐसा कुछ नहीं है भूख में। मैंने मोर को मारते हुए भी देखा है। टाइगर ने मोर को हाँ मारा हाँ हाँ लंगूर को मार के खा जाता है, तो जो मरा हुआ होता है वो किल भी खा लेता है कभी कभी। सब खा लेता टाइगर, ये सब कहने की बातें हैं, उसका मारा इसका मारा, टाइगर भूख में सब खा लेता है। तो ये बड़ी अच्छी बात बताई अपने गहरी। और लास्ट सवाल आपसे हाँ चंडाल घाटी का, क्योंकि आपने हमारे ब्लॉग पे ये कहा था, जिन्होंने ये एपिसोड नहीं देखा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो चंडाल घाटी के बारे में बताएं आप। चंडाल घाटी जो आपने देखा है, चंडाल घाटी के पास जो टेंपल बना है अच्छा वो एक रोकथाम के लिए बना है। जो गिरजा देवी टेंपल आपने देखा, बड़ा जो टेंपल है, एक छोटा टेम्पल, उसी की ही कॉपी है वो, ठीक जो है। वहाँ बारिशों के टाइम में दर्शन नहीं कर पाते हैं तो वो इधर कर सकते हैं। तो वहाँ पे कई सारे हादसे हुए, कुछ हुआ तो देखो कुछ विद्वानों ने कहा भैया ऐसा है यहाँ पे इस तरीके का बनाया है, और देखो और जब से मंदिर बनाया है तो वहाँ पे कोई ऐसा कोई हादसा भी नहीं तो हुआ। क्या था वहां पर, क्या था? अब पुराने लोगों के मुँह से हमने सुना था भैया चंडाल घाटी है, जो चंडाल नाम की है हुआ करते थे उस समय। देखो अब तो ये चीजें को कोई मानता ही नहीं है, लेकिन है अभी भी थोड़ा बहुत। लेकिन चंडाल घट्टी जो है फेमस है, आप किसी से भी पुरानी महिलाओं से पूछ लो, अभी के बच्चों को तो खैर पता नहीं होगा, जितने भी बुजुर्ग हैं वो सब, अब जैसे मैंने एक बार चुड़ैल की डांट बताई थी वो है या नहीं है। लेकिन हमने अहमद भाई से अहमद भाई के पापा से पूछा, हाँ जब बार भाई से, उन्होंने तो कहा कि वो डर होता है और कुछ नहीं होता। तो डर तो देखो डर ही तो है क्या, हाँ उन्होंने बताया नहीं भूत के कोई। कोई पैर थोड़ा होते हैं, भूत के पैर होते हैं क्या, हाँ डर ही तो तो होता उल्टे है। होते ये सब कहने की बात है, डर है एक। आप जहां फॉरनर को देखा आपने,
छोटे छोटे बच्चों को लेके कितना रिस्क लेते हैं, कहीं पे भी खा लेते हैं, उनको वो चीज इसको मानते नहीं है। तुम हमारे यहाँ फिशिंग करने के लिए आते हैं, नजर भाई हैं, नजर मोहम्मद जी, वहां पे घाट है, उन्हें पता है घाट है। अब फिशिंग तो बैन थी, अब खुल गई पहले की नहीं, बात नहीं है। उसका अच्छा, परमिट मिलता है, आपके रामगंगा नदी का परमिट मिलता है। कभी कभी नहीं, यहाँ नहीं मिलता, ऊपर मरचुला से ऊपर मिलता है और आपके हराड़ा से ऊपर मिलता है अच्छा। परमिट मिलता है, गवर्नमेंट फीस कटती है उसकी। तो अच्छा उसका ऐसा नहीं कि फिशिंग करी और घर को ले आए, बस फिर थोड़ा फोटोग्राफी की और वहीं छोड़ वही दी। छोड़ और दी। वहां पे काफी बड़ी बड़ी फिश है, गोंच है, महाशेर है। देखो यहाँ की सबसे बड़ी मछली महाशेर है, मतलब जो है जो फेमस मछली है और जो खूबसूरत मछली की बात कहेंगे तो गोल्डन महाशेर, महाशेर। और अगर उसके अलावा जो है जो गोंच है जो वेट में भी ज्यादा होती है, गोल्डन महाशेर तो आपके 20-1 केजी तक की होती है, लेकिन जो गोंच होती है वो आपके 80 किलो 110 केजी, मतलब एक इंसान के बराबर और 7-8 फीट तक की होती है। अच्छा, इतनी बड़ी होती है वो, हाँ हाँ तो आप आपने चलो देखी है? देखिए, नजर भाई हमारे कराते हैं फिशिंग, मौका दियो आप किसी समय तो तो वहां कभी चलिए। ऐसा होगा इत्तेफाक तो मैं वहां जाके भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। नजर भाई से आप बिल्कुल मुलाकात करना, नजर भाई इस चीज के कभी ऐसा मौका होगा तो मैं जरूर बिल्कुल आपका स्वागत है, आप आइए। हाँ आपके साथ ही चलेंगे एडवेंचर हाँ चलिए पे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों इनसे मिलके, बहुत छोटा सा पॉडकास्ट था ये, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं और ऐसी किस्से कहानी लाऊंगा जंगल की जो आपने सुने नहीं होंगे। तो ये कुछ लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, तो इनके और साथ एक बार की बात बताऊंगा, यहीं की बात बता रहा हूँ आपको। उस समय एलिफेंट राइड हुआ करती थी रिमोड़ा ब्रिज, जहाँ पे गर्जिया जोन का गेट है। मैं गेस्ट को एलिफेंट राइड के लिए मुथाना जी का एलिफेंट हुआ करता था, तो मैं वहाँ छोड़ने जा रहा था। मैं बाइक से था, मैंने एलिफेंट पे बिठाए गेस्ट, उनकी गाड़ी वहीं पार्क करा दी थी, और उसके बाद मैं बाइक से ऊपर आ रहा था। एलिफेंट जंगल में नहीं गया था, मतलब रोड पे ही था, और 5 टाइगर क्रॉस हो गए रोड पे ही। अच्छा, यहाँ के यहीं पर हाँ, माँ और बच्चे। एक माँ और 4 बच्चे, और दूरी लगभग इतनी होगी कम से कम 50 मीटर। हाथी चिंघाड़ गया रोड पे, जो डोमेस्टिक एलिफेंट था। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहां पे वहाँ टाइगर साइड एलिफेंट कॉरिडोर भी है वो। एलिफेंट कॉरिडोर भी है, और जो नाले के बीच से ना टाइगर क्रॉस होते रहते हैं। कोसी रिवर में पानी वगैरह पीने के लिए जाते हैं, फायर सीजन शुरू होने वाला है तो आप देखेंगे, अभी कंट्रोल फायर चल रहा है, उसके बाद क्या है जंगल ड्राई हो जाएगा और मई में तक पानी पूरा ड्राई हो जाता है, तो कोसी रिवर पे ही निर्भर होता है एनिमल। जाता बिल्कुल जाता बिल्कुल, या फिर वाटर होलो पे साइटिंग बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मजा आया इनसे बात करके। तो बड़ी मुश्किल से इन्हें मैंने पकड़ा था वक्त निकाल के। आने वाले टाइम में मैं जंगल के जो लोग हैं जो उनके साथ आप बीती हैं वो सुनाऊंगा। तो बड़े मजे आते हैं जब ऐसे लोगों की किस्से कहानी सुनते हैं। हमारा मजा इन द नहीं सेंस इसलिए कहूंगा क्योंकि एक, अब इसमें बुरे हादसों को मत लेना आपके, नहीं हमको ऐसा ऐसे नहीं, देखो जिस पे बीती है वही बताएगा ना हाँ इन चीजों जंगल को को। लेके थोड़ा बहुत मजा आता बिल्कुल है आप लोग बिल्कुल किससे टाइगर के किससे कहानी सुनने में। बाकी किसी का दर्द जो है उसमें हम भी शरीक होते हैं कि भाई बिल्कुल हमें बिल्कुल, भी हम तो अफसोस है चाहते हैं उस ऐसा चीज किसी के साथ का। हो ही ना। और सही अभी बात लेकिन है, क्या है, कुछ कंडीशन हो जाती हैं, इंसान भी नहीं मानता। सही बात है। कोसी रिवर में की बात बता रहा हूँ, कोसी रिवर की लगभग लगभग मैं बता रहा हूं आपको 2009 की बात है या 10 की होगी। जो हमारे ये जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, कहना नहीं मानते हैं। अगर आप मना करोगे तो कहेंगे ये मेरा क्या कर लेगा। ये बात, ये एटीट्यूड हकीकत रहता बता है। रहा हूं मैं, कम से कम एक टूरिस्ट छोटी बस में 32 लोग आते हैं या 28 लोग आते हैं। कुमेरिया डैन रिजॉर्ट में ग्रुप आया था, और वो ग्रुप वालों को पहले ही होटल वाला रिजॉर्ट वाला चेतावनी लिख देता है कि मानसून के टाइम में रिवर पे जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। उस चीज को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। पहला मुसीबत जो धनगढ़ी पे आजकल देख रहे हैं आप, काम शुरू है पुल बनने का, वहां पे इतना फ्लड आया था कि बस उनकी 2 घंटे वेट की, पानी कम होगा तब लिख लेंगे। तो उस दौरान उन्होंने क्या काम करा, वहां तो वेट किया क्योंकि ड्राइवर साथ में था। रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद दूसरे दिन रिवर में उतर गए, पानी कम है, यहाँ धूप खिली है लेकिन जंगल में बारिश हो रही, तो उसका क्या करोगे आप। और पानी इतनी तेज आता है आपको पता नहीं लगेगा कि मिनटों में ही खेल हो जाता है। लगे पड़े थे साहब मौज मस्ती में रिवर में। फाइनली ऊपर से जब पानी का फ्लड आया ना,
तो 18 लोगों को बहाया, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। और बॉडियां कहाँ मिली? रामनगर, जहाँ पे कोसी बैराज है, कुछ बॉडियां वहां मिली, कुछ आपके मुहान में मिली और कुछ आपके गर्जा मंदिर पे अटकी मिली। और सारी लड़कियां की थी और दो चार लड़कों की थी। कहना नहीं मानने का नतीजा है। इसीलिए मैं हर टूरिस्ट से निवेदन करता हूं कि जो आपको गाइड कर रहा है उसे फॉलो करो, सही बात है, वो सही आपकी बात है। सुरक्षा के लिए कह रहा है। जंगल में मत उतरो, सुरक्षा, पानी में मत जाओ, सुरक्षा, लेकिन कौन मान रहा है? बेवकूफ है हम जो कह रहे हैं, हकीकत बता रहा हूं मैं। ये हमारे साथ होता है। क्या कर लेगा टाइगर, क्या करेगा? सेकंड पलक झपकते ही गायब कर देगा। टाइगर तो अपने में बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या करेगा? पानी का पानी, बिजली, हवा क्या करती है? बता के थोड़ा ना करते मैं ये सही करूंगी, लेकिन हो जाता है ना। हो लेकिन जाता इस है चीज को हम केयरफुल करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरा अपना अनुभव था, कम से कम 22 साल का जंगल का। बिल्कुल। लेकिन बाकी देखो, आजकल टूरिस्ट हो रहा है, उन्होंने कहा यूट्यूब में जैसे आदमी देख रहा है ना, उन्होंने कहा तुरंत आया तुरंत बच जाए। भैया जो रियल है ये गाड़ी में बैठ के ही अच्छा लगता है, या घर पे टीवी में बैठ के और पकोड़े खाए। उन्होंने कहा मसूरी में बर्फ पड़ गई, उन्होंने नैनीताल में बर्फ पड़ गई। उन लोगों से पूछो जिन्होंने वहां लाइफ बितानी है अपनी, जब पानी बंद हो जाता है, खाने को नहीं मिलता, बिजली नहीं रहती है, क्या तो करता क्या है करता है? आदमी? सही बात है। और इस चीज को विशेष ध्यान देना चाहिए। कहीं पे भी जाओ टूरिस्ट, मैं टूरिस्ट के लिए कह रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि वो कहना नहीं मानते हैं। तो सबसे निवेदन है कि आप जब आए जो उस गाइडलाइन है चीज उसे को फॉलो कीजिए। फॉलो करें। हाँ तो बहुत अच्छा लगा मिलके, जल्दी जी, दोबारा इनसे मुलाकात बिल्कुल होगी। सर, तो थैंक यू। अभी आपसे लेते हैं अलविदा। आप लोग सब अपना ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना। Thank you.